तो डायबिटीज़ का कॉम्प्लिकेशन, जैसे मैंने कहा कि डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आपको अपनी शुगर को हमेशा 24 घंटे और हर दिन नॉर्मल रेंज में रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको अपने शुगर की जांच रेगुलर करना बहुत ज़रूरी है। जो जो आपको आपके डॉक्टर्स कहते हैं कि आप ये जांच करवा लीजिए, वो जांच आपको करवानी ज़रूरी है। तीसरी बात, जो सबसे अहम बात है, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपने डॉक्टर पर भरोसा रखिए। आप अगर अपने डॉक्टर पे भरोसा रखते हैं तो मेरा यकीन मानिए, आपका डॉक्टर आपके साथ में कभी बुरा नहीं होने देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उसके विश्वास को कम करता है। ऐसे बहुत कम का चांस होते हैं कि कहीं इंसान होने के नाते कभी बार मानवगत भूल की वजह से कोई बार दिक्कतें आ जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि डॉक्टर आपका बुरा चाहता है, कभी भी नहीं चाहता। वो आपको हमेशा एक अच्छी राय देना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका नाम, उसकी प्रसिद्धि, उसका काम, उसकी अपनी एक पहचान आपसे जुड़ी हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप कभी भी डॉक्टर के पास में अगर जाते हैं तो कभी उससे तर्क मत कीजिए। आप अपनी बात उससे बताइए, आपकी जो भी समस्याएं बताइए, तर्क मत कीजिए, क्योंकि तर्क करने से कई बार मानवगत, जैसे मैंने कहा कि मानवगत भूल की वजह से कई बार कई चीज़ें बड़ी दिक्कत में आ जाती हैं। तो आपको जो भी टेस्ट के लिए कहा जाता है वो सिर्फ आपके भले रहने के लिए है। चौथी बात ये है, आपको किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए। देखिए, एक्सरसाइज में कोई भी एक्सरसाइज डायबिटीज़ के लिए स्पेशल से नहीं बनी हुई है। एक्सरसाइज का मतलब होता है कि आपको कैलोरी बर्न करना। कैलोरी बर्न करना आप कैसे भी कर सकते हैं, आप दौड़ सकते हैं, आप ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, आप क्रिकेट खेल सकते हैं, आप फुटबॉल खेल सकते हैं, आप हॉकी खेल सकते हैं, आप टेनिस खेल सकते हैं, आप रस्सी कूद सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, कुछ भी कीजिए, लेकिन कीजिए ताकि आपकी एनर्जी बर्न हो। ऐसा नहीं कि आप सुबह घूमने के लिए जा रहे हैं और आस्ते आस्ते टहल रहे हैं, 5 बजे आप उठ गए और आस्ते आस्ते टहल रहे हैं, उससे आपको कुछ नहीं होगा। आपके शरीर के ऊपर में लोड पड़ना जरूरी है, ताकि वो आपकी जो बेसल नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको फास्ट कर सके। आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जब फास्ट होगी तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जितनी आपकी बढ़ेगी उस हिसाब से आपकी एनर्जी बर्न होनी शुरू होगी, और जितनी आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ेगी आपकी एनर्जी उतनी ज़्यादा बर्न होगी। जितनी ज़्यादा एनर्जी बर्न होगी आपके शरीर पर जो लोड, एनर्जी लोड है वो कम होगा, और एनर्जी लोड कम होगा तो आपका शुगर कम आ जाएगा बगैर दवाइयों के, कम दवाइयों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप लोड को वैसे ही रखते हैं तो सिर्फ आप दवा से उस लोड को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि संभव नहीं है। ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से डायबिटीज में आप खुद अच्छे रह सकते हैं। डायबिटीज से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ ये है कि आपको ये बात माननी पड़ेगी कि इस समय बाहर में बहुत तेज़ धूप चल है तो आप साथ में एक छाता लेके चलें, या बहुत तेज़ बारिश हो रही है आप एक छाता लेके चलें, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो आप कपड़े पहन के चलें। ठीक उसी तरह से जैसे आप मौसम में अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, उसी तरह से ये भी एक एबनॉर्मलिटी है जिसको आपको समझकर उस तरह से अपने शरीर को आपको खुद मैनेज करना है, और आपको ये मान के चलना है कि दवाइयाँ आपको सिर्फ छाते के काम के लिए दी गई हैं, दवाइयाँ आपकी शुगर को ठीक नहीं कर सकती। और अगर दवाइयाँ ठीक करेंगी भी तो जो आपको 1 या 2 या 5 महीने या 1 साल तक आपको दवाइयाँ, सिर्फ दवाइयाँ आपको कंट्रोल कर सकती हैं, 1 साल बाद फिर दवाइयाँ काम नहीं करेंगी, क्योंकि हर किसी चीज़ की एक लिमिटेशन होती है और उस लिमिटेशन को समझना बहुत ज़रूरी है।